नमस्कार मित्रों, मैं ओपी शास्त्री पुनः एक बार आपके सामने। आज आपके लिए पुनः लेके आए हूँ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक। कैसे होता है भगवान शंकर रुद्राभिषेक, वैसे तो हमने पिछले काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, परंतु आज स्पेशल हैं। भोलेनाथ की कृपा से क्या संभव नहीं है संसार में, जिस पर भोलेनाथ कृपा हो गई। ये देव नहीं है, महादेव हैं। आपने मार्कंडेय जी कथा सुनी है, मार्कंडेय जी 12 वर्ष की उम्र आयु के थे। किसी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो शायद आपकी आयु बढ़ सकती है, अन्यथा और कोई भी देव ऐसे नहीं जो आपकी को आयु को बढ़ा सके। इसलिए मार्कंडेय जी ने कथा तो विस्तार हो जाएगी, परंतु आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि मार्कंडेय जी ने जैसे ही 12 वर्ष की उम्र उनकी पूरी हुई, तो मार्कंडेय जी ने भोलेनाथ की ऐसी तपस्या की कि भोलेनाथ के शिवालय में ही लिपट गए। तो उधर से यमदूत आए, यहाँ से भोलेनाथ भी पधार चुके थे, डम 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 रूप बजाते हुए। तो यमदूतों को भोलेनाथ ने मार करके भगा करके, तात्पर्य ये हुआ कि यमदूतों ने लाख कोशिश की, भाई इनकी आयु पूरी हो चुकी है, अब इनको जाना ही चाहिए, परंतु नहीं, भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं हो सकते हैं, विधान बदल दिया जाएगा, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन में हूँ, इन्होंने मेरी तपस्या की है, अन्यथा मतलब इसलिए कि अब ये जो है ये इनको इनके प्राण आप नहीं ले सकते हैं। तो आखिर में क्या हुआ कि ये सारी बातें जो है यमराज तक पहुंची, वहां से विष्णु जी तक पहुंची, वहां से ब्रह्म जी तक पहुंची। तो ब्रह्म जी को निर्णय लेना पड़ा, अपने फैसले को बदलना पड़ा, विधाता की कलम को रोकना पड़ा। तो ब्रह्म जी ने क्या कि भोलेनाथ ऐसे कृपा पात्र वहां पर बने हुए हैं, यदि खड़े हैं तो भोलेनाथ, ब्रह्म जी ने अपनी 1 वर्ष की आयु अपनी उम्र में से घटा करके उस मार्कंडेय जी को दे दी। और ब्रह्म जी की 1 वर्ष की आयु है सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर जब 72 बाद बीत जाए, तो तब ब्रह्म जी का 1 वर्ष होता है। तो ऐसे में मतलब वो जो अल्प आयु थे मार्कंडेय जी, वो भोलेनाथ की कृपा से चिरंजीवी में से अष्ट अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमंतस विभीषणम, ये 7 चिरंजीवी में से अष्ट आठवां जो है मार्कंडेय जी को शामिल कर दिया। ऐसे हमारे भोले बाबा, यानी कृपा हो गई तो भाव ही मेट सके, क्या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा, आज भोलेनाथ की कृपा से क्या संभव नहीं है। तो कैसे भगवान शंकर की उपासना की जाती है, कैसे भगवान शंकर का अभिषेक होता है, तो आइए आपको बताते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अरे अम्मा ओम मनोर्जो त्रिजुगतायताय नम अभूत मुखा सम्मा प्रभा नम श्रद्धा नाकम शिसे स्वाहा मूर्धा नन्दिवो अरतिं मृद्भ्या वैश्वा नरमृद आजातमग्निं माकविगुं सम्राजमदतिञ्जनानाम्मा सन्नाम जनयन्त देव एकां शिखायैव षड् वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोम स्वाराजा मृदेनानुवस्तं मा उरोर्वरी वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानुदेवा मदन्तो हं कवचाय हं विश्वस्तचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्दाता सम्बाहुभ्यां धमसि भूमि जनयन्त देव एकः मृदत्राये वषड् मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वेखुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वदरे हविक्मन्ता समद्वा हवामहे असत्राय पटः ध्यानम् ध्याये नित्यं महेशं वृद्धत्रिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रसन्नकुवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासैनं समन्तास्तुमरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विस्वादं विश्ववन्द्यं निखिलवैरं पञ्चवाक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शम्भो। और शंकर भगवान की जय। हरे अम्मा दूध जल सर पटक करो यार, शंकर भगवान की जय। ओम डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा आना, डम डम डमरू बजाना होगा, बेलपत्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे,
केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, भक्तों को दरस खाना होगा, डम 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 रु बजाना होगा, डम 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 रु बजाना होगा, ओ डमरू वाले बाबा तुमको होगा, डम 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 रु बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, हाथ में त्रिशूल गल सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गल सर्पों की माला, नंदी पे चढ़ के आना होगा, डम 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 रु बजाना ओ, डम 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 रु बजाना होगा। बोलो शंकर भगवान की। अरे ओम महा ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम गणानंद्वा गणपते गुं प्रियानंद्वा प्रियपते गुं हवामहे, निधि नंद्वा निधिपते गुं हवामहे, वशो मम आहम जानिगर्वदम त्वमजासिगर्वदम महागायत्री चतुर्जगदमष्टभङ्गा सह प्रियतुष्णि ककुशोचेभिः संयन्तद्वा द्विपदा जा चतुष्पदा त्रिपदा जा चकटपदा विचन्दा जा च चन्दा शोचेभिः संयन्तद्वा सस्तौ मा सच्छन्दस आवृतः सह प्रमादिकयः सुतदेव्याः पूर्वे कम्पन्ता मनुदृशधीरा अन्वादेभिरेरथ्यो नरस्मिन्नाद् जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुदेवेति दूरं ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हरिः ओं महाजलप्रज्ञानमुपचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। जैनेदं भूतं भुवनं भविगत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जैन चिकित्सायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। जस्मिन्नृचः सामजजो गुङ्गजस्मिन् रथनाभाविवाराः जस्मिंश्चितागुं सर्वमोदं प्रजानन् तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हरे ओं मा सुखारतिस्वामिव जन्मन् नैनीयते भी सुप्रभाजिन इवा हृत्प्रतिष्ठं जदचिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हरे ओं मा सहस्रशीरिका पुरुका सहस्राक्षः सहस्रपादा स भूमिगुं सर्वत सुरवातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुक ए भेदगुं सर्वं जदभूतं जजवाप्यं मा उता मृत्वशेषा जदन्नेनातिरोहति एतावान्नस्य महिमा तो जायास्य पूरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपाद्धूर्ध्वा उदयपूरुकः पादोऽस्य भवत्पुनः ततो विकन्दग्रामशासनानसने अभि ततो विराटजाय च विरा अधिपूरुकः स जातो अत्यरिज तपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्दिज्ञा सर्वभूतनिजः सामानि छन्दागुंसि च गिरे तस्माद्दस्माद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन्तये केचो भयादत गावो हज गिरे तस्माद्दस्माज्जाता अजावयः तं जगम्बरैः प्रोक्तं पुरुकं जातमग्रतः तेन देवा अयदन्तसाध्यारिकैश्च जेजत् पुरुकं विदधो कथिताव्यकल्पयन्नामुखां किमस्यासीत् किं वा किमो रूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन् कृतः ऊरो तदस्तवेश्यः पदव्यागुंसूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातसंक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तर्क्यगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिदृशः सूत्रान्तदा लोकामकल्पयन्नानदमुरुकेण हविका दिव्वाच किमतन्वता वसन्तोऽस्यासीद ग्रीग्मैदमः सरद्वभिः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रिः स्वसमिदः कृता यदग्नन् तन्वानन् अवग्नन् पुरुखम् पदौ मम् जघेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकम् महिमान्
सचंद पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्य संवृता पृथ्वीरसा विश्वकर्मण समवृतता ग्रहित सुष्टा रूपमेति।